इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अश्विन जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। लेकिन पाकिस्तान के लोग अच्छे नहीं है, उनको चुल मची रहती है हम इंडियन से। इंडिया जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो पूरी नजरें बनाए हुआ है, क्योंकि बहुत से रीजन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इंडिया अफगानिस्तान के मामले में इंटरफेयर कर रहा है। तो हमारे गौरव आर्या जी ने उनको ऐसा मतलब जवाब दिया, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है कि उनकी बोलती बिल्कुल बंद हो गई है, और आपको देखकर बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। बार साहब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री लग गया इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब्बार साहब मैं आपको जवाब देता हूँ कि भारत को प्रॉब्लम क्या है सर, अब सुन लीजिए जब्बार साहब। बात यह है कि सर भारत को क्या प्रॉब्लम है, आपने बोला अफगानिस्तान में हो रहा है, भारत को क्या दिक्कत है, मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत है। सर हमने वहां पे $3 अरब लगाए हैं, और अब अफगान के जो तालिबान वाले हैं, स्टैनिक्ज़ाई जो हैं, सर मेरी पूरी बात सुन लीजिए, सर एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए सर। आप लोग ना बहुत जल्दी शामियाने बजा लेते हैं, पाकिस्तानी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, फिर टीवी तोड़ लेते हैं अपनी दुखियों के। पूरी बात सुन लीजिए हुजूर वाला, पूरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, पूरी बात सुन लीजिए सर, टीवी मत तोड़ना सर, प्लीज सर जब्बार साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, टीवी मत तोड़ना, मेरी बात तो सुन लो। अरे जब्बार साहब आप गुस्सा हो रहे हैं, मैंने तो बोलना शुरू नहीं करा, मैंने तो आपसे इजाजत मांगी तब बोला सर, मैंने आपसे इजाजत मांगी है। देखिए भारत ने वहां पे $3 बिलियन लगाए क्योंकि भारत के पास हैं, हमने लगा दिए। फिर क्या हुआ, अफगान तालिबान ने हमें अप्रोच करा कि आप और पैसा लगाइए वहां पे, वहां पे जो आयरन ओर है यानी कि लोहा है जमीन से वो निकालिए, आप वहां पे इन्वेस्टमेंट करिए, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। दोहा में मीटिंग हुई थी, दीपक मित्तल साहब है हमारे एम्बेसडर और स्टैनिक्ज़ाई के बीच में मीटिंग हुई थी, आपको पता है ये भारत के इंटरेस्ट है, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं सर। अच्छा अफगानिस्तान, एक और ऐश्वर्य अगर आपकी अनुमति हो मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं। पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि साहब भारत, और ये जब्बार चौधरी साहब भी ये बात में अग्री करेंगे, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि इंडिया का क्या लेना देना है वहां पे, इंडिया का तो बॉर्डर मिलता ही नहीं है वहां पे, इंडिया का 1 किलोमीटर का बॉर्डर नहीं है, फिर इंडिया क्यों अफगानिस्तान में अपनी राय रखता है या अफगानिस्तान में दखल देना चाहता है। तो रखने भी प्रॉब्लम नहीं है जब्बार साहब, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं सर सर इंडिया इंडिया राय भी रखेगा इंडिया सर, हुजूर वाले सुनिए मेरी बात सर, एक मिनट, आपको सर आपको प्रॉब्लम है ठीक है, अच्छी बात है। देखिए इंडिया राय भी रखेगा, पैर भी रखेगा, हाथ भी रखेगा, सर भी रखेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखिए ऐसा है ना हुजूर, आप बात आप इतना आप गुस्सा क्यों हो जाते हैं, मेरा चेहरा देख के आप मेरी शक्ल देख के परेशान क्यों हो जाते हैं। जब्बार साहब मेरी बात सुन लीजिए, जब्बार साहब एक बात सुन लीजिए, कई बार मैंने चैनल पे देखा है यही रिपब्लिक भारत में, मेरी बात सुन लीजिए जब्बार साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने 1000 बार रिपब्लिक भारत पे ही सुना है कि भाई इंडिया का क्या लेना देना अफगानिस्तान में, आपका बॉर्डर नहीं मिलता, बॉर्डर नहीं मिलता, 1000 बार सुना है मैंने पाकिस्तानियों से। आज मैं जवाब देना चाहता हूं सर, बॉर्डर तो अमेरिका का भी नहीं मिलता, फिर आपने कौन से कानून के तहत $33 अरब अमेरिका से लेके अपनी जेब में डाल लिया और पैसा हड़प लिया सर। अगर पाकिस्तान को पैसा दो तो, सर एक मिनट अगर पाकिस्तान को, मेरी बात सुन लीजिए सर, अब आपको मिर्ची लगी, आपको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए देखिए ऐसा है जब्बार साहब कि अगर पाकिस्तान की जेब गरम कर दो तो अफगानिस्तान और अमेरिका का बॉर्डर भी मिला देंगे ये लोग, अगर पाकिस्तान की जेब में पैसा डाल दो तो अमेरिका और अफगानिस्तान का बॉर्डर, ये कहेंगे यस काबुल एंड टेक्सास हैव कॉमन बॉर्डर्स, इनकी जेब में पैसा डालने वाली बात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आखिरी 10 सेकंड में, ये जो तालिबान के सगे बन रहे हैं ना ये पाकिस्तानी टीवी पैनल पे, इन्होंने 20 साल अमेरिका से पैसे लिए उन्हीं अफगान तालिबान वालों को मरवाने के लिए, इन्होंने मुल्ला बरादर को जेल में रखा, अफगान तालिबान को जेल में रखा अमेरिका से पैसा लेके, और आज ये मुकर गए। तो यानी कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। अश्विन तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया, और कैसे आपको लग रहा है कि गौरव आर्या जी ने इनको कैसे मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने सही बात बोली है कि ये अफगानिस्तान और इंडिया का अपना पर्सनल मैटर है, तो आप इसमें क्यों घुस रहे हो। पाकिस्तान इसमें इसलिए घुस रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं है कि कोई उसको छोड़कर किसी और को दान दे दे। ठीक है दोस्तों, अफगानिस्तान अपना एक भारत का अच्छा दोस्त मान सकते हो आप रहा, क्योंकि इंडिया ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान में किया है, और पाकिस्तान को ये चीज़ें बहुत ही बुरी लगती है। पाकिस्तान बोल रहा है कि आप एक तो बॉर्डर भी नहीं लगता, थोड़ा सा बॉर्डर लगता, आप उसकी भी बातें क्यों कर रहे हैं। तो गौरव ने बड़ा सा जवाब दिया कि अमेरिका से तो आपका कुछ भी नहीं लगता, आप उससे पैसे क्यों ले रहे हो। दोस्तों होता क्या है कि अफगानिस्तान के जब अंदर तालिबान नहीं थे तो अमेरिका की सेना वहाँ पर रहती थी, तो पाकिस्तान अमेरिका से पैसे लेता था कि हम तालिबानियों को
खत्म कर देंगे, इवन वो उनसे पैसे लेके वही उनको फंडिंग कर देता, तक ये बातें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों मुझे तो जब इनकी बातें सुनी, गौरव आर्या जी ने इनको ऐसा जवाब दिया, ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया ना, उनकी बातें सुन करके सच में दिल से प्राउड होता है और फीलिंग अच्छी आती है कि हम एक भारतीय है और हम अपने देश में सुरक्षित है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है कि पाकिस्तान कैसे लोगों से पैसे लेता रहता है? उन्होंने बात बोली कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। हाँ जी दोस्तों, पाकिस्तान को चाहिए सिर्फ पैसा, दान में पैसा, फ्री का पैसा, फ्री की चीज़ें। तो यही उनकी हैसियत, यही उनकी औकात है। और आप लगातार वीडियो देखते रहते हो कि कुछ ज़्यादा इनके हाथों में है नहीं पाकिस्तान के, सिर्फ इन्होंने जो है पैसा लेना है, यूज़ करना है और धोखा देना है जिसको भी जिससे लेना है। ठीक, यही इन्होंने अफगानिस्तानों के साथ किया, ये अमेरिका के साथ कर रहे हैं और चाइना के साथ। तो चलो भाई इनका है, आगे जाके आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो चाइना की कठपुतली बने हुए हैं, जब तक पैसा चाइना दे रहा है तो ये ले रहे हैं, उनकी बातें मान रहे हैं, सुन रहे हैं। तो यही है इनका। दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में कौन सी बातें अच्छी लगी, आपको कैसा फील हुआ गौरव आर्या जी बातें सुनकर? सच्चे भारतीय हो तो प्लीज़ कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दिया करो यार। जब आप कमेंट में जय हिंद लिखते हो तो बड़ा ही अच्छा और प्राउड फील होता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।